नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के MLC जीवन कुमार। इनसे बातचीत करेंगे कि ये नियोजित शिक्षकों को किस तरह से अपनी बातों पर भरोसा दिलाएंगे। जिससे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए सर, आप किस प्रकार से नियोजित शिक्षकों को अपनी बातों पर भरोसा दिलाएंगे? देखिए, ये भरोसा तो हम लोग दिला चुके हैं, इसलिए कि चुनाव लड़ने के पहले हमने एक मैनिफेस्टो, सिंगल मैनिफेस्टो के साथ हमने चुनाव लड़ा कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का हम दर्जा दिलवाएंगे। और आज सरकार को मजबूर कर दिया हम लोग कि राजकर्मी का दर्जा देने पर सरकार विचार कर रही है। और सरकार जो है जनता को साथ साथ भ्रमित करने का भी काम कर रही है। सरकार ने एक नियमावली लाया और नियमावली में राजकर्मी का दर्जा देने का प्रावधान किया, गलत तरीके से प्रावधान किया। उससे जो है हमारे शिक्षक समाज भ्रमित हो रहे हैं, हमारा पूरा जो है एक सिस्टम भ्रमित हो रहा है और उससे बहुत सारी गड़बड़ियाँ पैदा हो जाएगी। और इसलिए हम वो एक काले कानून के रूप में उसको लाया। तो शिक्षक समाज के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा काला कानून यदि कहा जाएगा तो ये काला कानून, ये शिक्षक अध्यापक नियमावली 2023 है। ये अचानक नीतीश कुमार ऐसी नियमावली क्यों लाया? देखिए, नीतीश कुमार पर एक प्रेशर पड़ गया कि अब आपको राजकर्मी का दर्जा शिक्षकों को देना होगा, तो उन्होंने जो है नहीं देने का एक प्रावधान ढूंढा। देखिए, 4.5 लाख अभ्यर्थी हैं, करीब 4.5 लाख से 5 लाख अभ्यर्थी हैं, वो नौकरी के इंतजार में थे। पहले से उनको घोषणा कर दिया इन्होंने कि नौकरी देंगे हम, आप एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, आपका मेरिट लिस्ट में आ गया है ना। उसके बाद करीब 4 से 4.5 लाख नियोजित शिक्षक थे, उनसे चुनाव के पहले इन्होंने वादा किया कि जैसे ही हमारा जो है हम सरकार में आएंगे तो हम आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे। तो ये उन पर एक प्रेशर था कि आपको राजकर्मी का दर्जा देना होगा, चूँकि आपने वादा किया था। तो अब चूँकि ये 10 लाख लोग उन पर प्रेशर बना रहे थे, तो एक नया सिस्टम वो ला के राजकर्मी का दर्जा नहीं देने का सिस्टम खोज लिए। लेकिन आप जान लीजिए कि हम लोग पूरी ताकत से इस बात पर जो है विरोध कर रहे हैं और लड़ने का काम कर रहे हैं, और ये सारे शिक्षक समाज देख रहे हैं और उनके लिए लड़ेंगे और हर हाल में। जब आप लोग सत्ता में थे तब क्यों नहीं शिक्षकों के बारे में सोचा गया? ऐसा नहीं है, हम लोगों ने नीतीश कुमार जी से, हमारी पार्टी ने हमेशा बोला कि आपसे शिक्षा विभाग नहीं संभल रहा है और शिक्षा विभाग को आप छोड़ दीजिए, इसलिए कि पूरा बिहार में विवाद पैदा हो गया है। तो वो जिद पर अड़े रहे और हम लोग की और जिद पर अड़ने के कारण आज शिक्षा व्यवस्था का ये हाल हो चुका है। हमने कई बार कहा, हमारी पार्टी ने कई बार कहा कि आपसे ये व्यवस्था नहीं संभल रहा शिक्षा का और पूरी व्यवस्था खत्म हो रहा है, लगातार खत्म होते जा रहा है, आप शिक्षा व्यवस्था को हमको हैंडओवर कर दीजिए। लेकिन वो हैंडओवर नहीं किया और इनके जीत के कारण पूरा शिक्षा व्यवस्था बिहार में चौपट हो गया। लेकिन आप जान लीजिए कि अब जो है नियोजित हमारे जो शिक्षक हैं या जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय होगा और इंसाफ की बात हो रही है और हर हाल में उनको न्याय करना पड़ेगा। सीटेड जो अभ्यर्थी हैं जुलाई वाले, उनको BPSC में बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा? देखिए, जो हम तो कह रहे हैं कि जो अध्यापक नियमावली लाई है इन्होंने उसमें बहुत सारी खामियां हैं और उन खामियों का कारण जो है वो नियमावली को हम एक काले कानून के रूप में देख रहे हैं और सरकार एक काले कानून के रूप में उसको पेश कर रही है। तो हम उसको खारिज करने के लिए हम अपनी बात को रख रहे हैं और हर हाल में इस काले कानून को हम लोग ख़त्म करवाने का पूरा प्रयास करेंगे और ख़त्म करवाएंगे। हम गवर्नर साहब से ही मिलेंगे, हमने 10 एजेंडा तय करने का प्लान किया है और जो मुख्य एजेंडा 10 एजेंडा के साथ उनसे मिलने का प्लान करेंगे और सारे शिक्षक समाज भी इस बात पर सहमति दिए हैं कि नहीं, हम लोग की मांग को आप रखिए जी। अगर शिक्षक आप लोग का समर्थन करते हैं तो क्या भविष्य में उनको आश्वासन मिलेगा इस चीज़ का कि उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिलेगा? आश्वासन नहीं, हम लोग देंगे उनको राजकर्मी का दर्जा। आश्वासन क्या होता है, राजकर्मी का दर्जा हम लोग पूरी तरह दिलवाने के लिए प्रयासरत हैं और दिलवाएंगे उनको हम लोग। तो आपने देखा BJP MLC जीवंत कुमार ने पूर्णतः आश्वासन दिया है कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है तो वो शिक्षकों को उनका न्याय देंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार संवाददाता के साथ।